हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। लास्ट लेक्चर में साइंस के ये यूपीटेट के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। यूपीटेट साइंस के पोर्शन में यूपीटेट, सुपरटेट और भी जितने भी साइंस रिलेटेड जो एग्जाम होते हैं उसमें जो साइंस के बारे में हम लोग डिस्कस किए थे लास्ट में, फाइनली वृत्ति गति के बारे में डिस्कस किया हुआ था। जो चैप्टर चल रहा है ये मौसम का चैप्टर चल रहा है, गति का चैप्टर चल रहा है, तो गति से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट होंगे उन सब के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। और आज के लेक्चर में हम लोग कोशिश करेंगे, आज हम लोग वृत्ति गति के आगे ही जैसे हम लोग बढ़ेंगे तो विस्थापन, जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है जिसको बोलते हैं कोणीय विस्थापन, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। एंगुलर वेलोसिटी के बारे में डिस्कस करेंगे जो कोणीय वेग होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और उत्तोलक जिसको लेवर बोलते हैं और उत्तोलक के प्रकार उनके एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे और कोशिश करेंगे कि उसके आगे जैसे इसको हम लोग कंप्लीट करेंगे और कोशिश करेंगे हम लोग जो गति के नियम हैं, ठीक है, जो गति के नियम हैं, प्रथम नियम, द्वितीय नियम, गति के जो समीकरण थे उसके अलावा उनके बारे में हम लोग देखेंगे। जो फर्स्ट लॉ है, सेकंड लॉ है और जो थर्ड लॉ है उनके एग्जांपल और एप्लीकेशन देखेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग कोणीय विस्थापन। तो कोणीय विस्थापन क्या होता है, जिस हिसाब से जो लीनियर डिस्प्लेसमेंट होता है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट अगर उनको उसको अगर हम लोग कंपेयर करें, ठीक है, कंपेयर करें रेखीय विस्थापन, तो जनरली होता क्या है कि कोई भी अगर हमने कुछ भी पोजीशन इस तरीके से चेंज की है, ये क्या है, ये फर्स्ट अगर ये पॉइंट है ए और ये पॉइंट है बी, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे। जनरली अगर हम लोग बात करें विस्थापन की, डिस्प्लेसमेंट की, तो होता क्या है, दो बिंदुओं के बीच की सबसे शॉर्टेस्ट जो डिस्टेंस होगी, ठीक है, उसको बोलेंगे हम लोग विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। लेकिन जैसे ही हम लोग बात करते हैं हम लोग एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की, कोणीय विस्थापन की, तो कोणीय विस्थापन की जैसे ही बात करेंगे तो वहां पे क्या आ जाएगा, सर्कुलर मोशन की बात आएगी, वृत्ति गति की बात आएगी, ठीक है। इस तरीके से जरा ध्यान से देखिएगा, तो कहीं पर भी कोई भी पॉइंट हो तो उसकी कहीं पर भी जो उसकी प्रारंभिक स्थिति होगी और प्रारंभिक स्थिति सपोज कहीं पर भी है उसकी, और उसको अगर हम लोग एक्सिस से ऐसे चेंज करते हैं ऐसे, ठीक, कहीं पर भी हो, अगर यहाँ पर है और यहाँ से यहाँ पर आया है, प्रारंभिक स्थिति के बाद वो जितने भी कोण बदल जाता है, जितने भी कोण घूम जाता है, अगर ये हमारा पार्टिकल यहाँ पे रहा होगा, यहाँ पे आ गया है, तो क्या जितने कोण घूम जाएगा तो इसी थीटा को ही, अगर स्टार्टिंग कितना होगा यहाँ पे, जो एंगल है इसके सापेक्ष कितना एंगल है, यहाँ पे जीरो होगा। यहाँ पे अगर सपोज थीटा की वैल्यू अगर 45 डिग्री घूम जाती है तो जो डिफरेंस आएगा यानी थीटा वन माइनस, यानी कि जो डिस्प्लेसमेंट थीटा टू, तो कितना डिफरेंस, मतलब क्या है, 30 माइनस जीरो, ठीक, तो कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। तो ये जो 30 है ये हमारा क्या हो जाएगा, डेल्टा थीटा हो जाएगा, ठीक। और जितना उसमें समय लगेगा तो बात की बात है, तो कहने मतलब यही है, प्रारंभिक स्थिति के सापेक्ष जितना वो कोण घूम जाता है उसी को बोलते हैं हम लोग क्या बोलते हैं, उसी को बोलते हैं हम लोग डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, ठीक। इसको आप लोग चाहे तो देख सकते हैं इस तरीके से, यानी कोई भी वृत्ति गति करता हुआ, कोई भी कण वृत्ति गति करता हुआ, मेरी आवाज को आप लोग सुनिएगा, सुनने के बाद जैसा मैंने बताया उस हिसाब से आप लोग फॉलो कीजिएगा। वृत्ति गति कोई भी, अगर कोई भी पार्टिकल है वो अगर किसी भी सर्कुलर पाथ पे है, ठीक, वृत्ताकार पाथ पे है, और उस वृत्ताकार पाथ में अपनी जो उसकी इनिशियल स्टेज थी, प्रारंभिक जो स्थिति थी, उसके सापेक्ष जितने भी कोण घूम जाता है उसको बोलेंगे हम लोग क्या बोलेंगे, कोणीय विस्थापन बोलेंगे, ठीक। कोणीय विस्थापन को जनरली हम लोग डेल्टा थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, तो यहाँ पे डेल्टा थीटा होगा, ठीक, क्या होगा, डेल्टा थीटा होगा, ठीक। कुछ पॉइंट्स और नोट कर लीजिएगा, जो इसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात कर रहे हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ओके, डिस्प्लेसमेंट, इसको बोलते हैं कोणीय विस्थापन, कोणीय विस्थापन, ठीक।
और जो कोणीय विस्थापन है ये कैसी है, ये एक सदिश राशि है दोस्तों, कैसी राशि है, सदिश राशि, ठीक बात समझ में, ये एक सदिश राशि है। इसका जो मात्रक होता है वो रेडियन होता है, क्या होता है मात्रक, क्या होगा रेडियन होगा। और इसकी जो बीमा होती है डायमेंशन जो होगी वो कितनी होगी, एम एल टी 000, ठीक, यानी कोई इनकी कोई भी वैल्यू होती नहीं है, ना तो एम इसमें विद्यमान होता है, ना तो लेंथ विद्यमान होती है, ना तो समय विद्यमान रहता है, ठीक। तो इसकी बीमा क्या हो जाएगी, एम की पावर 0, एल की पावर 0 एंड टी की पावर 0, ठीक। ये हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट थे। अब इसके बाद बात करते हैं हम लोग एंगुलर वेलोसिटी के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो हेडिंग डाल लीजिए आप लोग एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, जिस हिसाब से कोणीय वेग, कोणीय वेग इसको बोलेंगे एंगुलर वेलोसिटी, ठीक। कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। अब जरा ध्यान से देखिएगा, टाइम तो लगने लगना है। अब यहां पे ये कोई भी उसकी पोजीशन रही होगी, ये क्या है सेंटर है, अगर कोई भी वृत्ति गति है, एंगुलर वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट वहीं पर आएगा जब पार्टिकल हमारा वृत्ताकार क्या होगा पाथ पे, यानी कि वृत्ति पथ पे क्या है मूव कर रहा होगा, उसमें मोशन की पोजीशन पे होगा, ठीक है। अब वहां पे अगर हम बात करें एक बार की, हम लोग एक बार ये ध्यान दे लें कि अगर हम लोग जब रेखीय वेग की बात कर रहे थे, लीनियर वेलोसिटी की बात कर रहे थे, तो लीनियर वेलोसिटी में क्या था कि एकांक समय में या इकाई समय में, या इकाई समय में, ठीक, वस्तु जो भी होती है जितने विस्थापन कवर करती है, जितना विस्थापन कवर करती है उसको बोलते हैं हम लोग, या इकाई समय में विस्थापन परिवर्तन की दर, जो भी विस्थापन का रेट जो होगा, जो डिस्प्लेसमेंट का जो रेट होगा वो क्या होगा एक घंटे में या एक सेकंड में, तो उसको उसमें जितना कवर करेगी डिस्प्लेसमेंट उसी को बोलेंगे हम लोग लीनियर वेलोसिटी। तो वहां पे क्या था, जो हमारी वेलोसिटी थी वो क्या थी, डेल्टा वी, सॉरी कितनी थी, डेल्टा थीटा या डी अपॉन डी फॉर डिस्प्लेसमेंट, डेल्टा थीटा नहीं सॉरी डी अपॉन टी, ठीक, ये डी फॉर डिस्प्लेसमेंट एंड टी फॉर टाइम, ठीक, ये था हमारा। अब वहां पे डिस्प्लेसमेंट था, अब यहाँ पे क्या है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, अगर हमारी यानी पोजीशन, यानी ये हमारा क्या है थीटा, अगर हमारा पार्टिकल इस पोजीशन पे रहा होगा और दोबारा में क्या किया उसने इस पोजीशन पे आ गया बी पे, ठीक, तो यहाँ पे कितना रहा होगा, अगर सपोज इसके सापेक्ष ये कितना है जीरो है, इसके सापेक्ष अगर इसको हम लोग मेंशन करते हैं तो यहाँ पे कितना है थीटा वन है, यहां से कितना है ये थीटा टू है, बात समझने की कोशिश करना। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, तो जो यहाँ से एंगुलर जो यहां से यहां तक का जो डिफरेंस आएगा वो क्या आएगा थीटा टू, डिफरेंस थीटा टू, इसी को हम लोग बोलेंगे डेल्टा थीटा, ये क्या हमारा डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। अब इसके बाद जो भी इसमें टाइम लगेगा, तो यहाँ पे इसके इसका टाइम जो भी रहा होगा T1, यहाँ पे टाइम कितना है T2, तो कितना हो जाएगा डेल्टा T। तो यहाँ से जो एंगुलर जो डिस्प्लेस जो एंगुलर वेलोसिटी होगी, उस एंगुलर वेलोसिटी को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करेंगे, W से, ओमेगा से, स्मॉल, तो इसको ओमेगा हम लोग बोलेंगे, तो कितना हो जाएगा डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा T, ठीक। कहने मतलब ये है कोणीय विस्थापन की दर को, ये क्या है रेट है, रेट क्या होता है घटता बढ़ता है, कहां पे हम लोग रेट लगाते हैं, कहां पे हम लोग रेट का यूज करते हैं, कहां पे हम लोग रेट की टर्मिनोलॉजी का प्रयोग करते हैं, वहां पे करते हैं जब हमारे टाइम में फ्लक्चुएशन होता है, जब हमारा टाइम घटता है बढ़ता है तो क्या करते हैं वहां पे रेट आ जाता है, जैसे बैंकिंग में रेट आ जाता है, तो बैंकिंग में भी जो रेट होती है उसको दर को समय ही बोलते हैं, ठीक, क्या बोलते हैं वो समय ही होता है, इतने समय से लेकर के इतने समय तक इतना इंटरेस्ट ब्याज रहेगा और वहां से वहां तक इतना रहेगा, ठीक। तो यहाँ पर जब कभी भी रेट का वर्ड रेट टर्मिनोलॉजी यूज की जाती है उसका मतलब वहां पर समय से ही होता है। तो यहाँ पर भी क्या है, इस जगह पे हमारा समय टी वन था, यहाँ पे हमारा समय कितना था टी टू हो गया, तो उसको बोलेंगे हम डेल्टा टी फॉर
T1 माइनस T2 या T2 माइनस T1 डिफरेंस होगा। ठीक, तो ये है, कहने का मतलब ये है कि जो कोणीय विस्थापन की जो दर होती है उसको बोलेंगे हम लोग, क्या बोलेंगे उसको, बोलेंगे कोणीय वेग बोलेंगे। ठीक, अब यहां से कुछ चीजें और देख सकते हैं, अगर कोई भी, ठीक, अब समय की थोड़ा सा समय पे फोकस करते हैं, टाइम पर फोकस करते हैं, इन चीजों को देख लेते हैं। अगर कोई भी, ध्यान दीजिएगा, अगर कोई भी ये वृत्ताकार पथ है, इस वृत्ताकार पथ में कोई भी पार्टिकल, ठीक, कोई भी पार्टिकल अगर यहाँ पे है, कहीं से भी अगर इस पार्ट पे था और यहीं पर घूम करके पूरा एक चक्कर लगा लेता है, यानी कि एक चक्कर लगाने में, एक साइकिल कंप्लीट करने में यहाँ पे रहा होगा, यहां से घूमने के बाद 360 डिग्री अगर कवर कर लेता है, यानी पूरा कितना होगा 360 डिग्री को कवर करने के बाद फिर से अपनी जगह पे आ जाता है। कहने का मतलब है कंप्लीट अ टाइम, एक ऐसा टाइम, अ टाइम इन विच दैट पार्टिकल कवर्ड कंप्लीटली वन साइकिल, एक साइकिल जब कंप्लीट कर लेता है तो उस समय को, जितना समय लगेगा तो उस समय को टाइम को बोलेंगे हम लोग, टाइम पीरियड बोलेंगे या आवर्तकाल बोलेंगे। ठीक, क्या बोलेंगे? आवर्तकाल बोलेंगे। इतनी बात समझ में आई? कहने मतलब यह है किसी भी कण द्वारा वृत्ताकार पथ में पूरा एक चक्कर लगाने में, एक साइकिल कंप्लीट करने में जितना टाइम टेकन होता है, जितना टाइम लगता है, उस टाइम को बोलेंगे आवर्तकाल, टाइम पीरियड बोलेंगे। ठीक, अब उसके बाद, अब एक सेकंड में, अब बात दूसरी हो गई, चेंज हो गई, दूसरी हो गई, अब बात ये हो गई कि एक सेकंड में जो पार्टिकल होगा कण, एक सेकंड में जितने चक्कर लगाता है तो उसको बोलेंगे आवृत्ति बोलेंगे। ठीक, एक सेकंड में जितने चक्कर लगाता है कण, जितने चक्कर कंप्लीट करेगा, लगाएगा 4, 5, 6, जितने चक्कर लगाएगा, तो चक्कर को अगर हम लोग यन काउंट कर लें, जितने चक्कर लगाएगा तो इस यन को बोलेंगे हम लोग, क्या बोलेंगे? तो उसको बोलेंगे हम आवृत्ति बोलेंगे। ठीक, क्या बोलेंगे? आवृत्ति कहलाएगा। और आवृत्ति का जो मात्रक होता है, आवृत्ति का मात्रक क्या होता है? हर्ट्ज होता है, ये बात याद रखना। ठीक, आवृत्ति का मात्रक क्या होता है? हर्ट्ज होता है। तो इस चीज को आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, तो इन्हीं चक्करों की संख्या को आवृत्ति बोलेंगे। ठीक, एक फॉर्मूला और है कि जो आवृत्ति होती है वो आवर्तकाल के व्युत्क्रमानुपाती होती है, या व्युत्क्रमानुपाती नहीं होती है, व्युत्क्रम होती है। यहां से आवृत्ति बराबर कितना हो जाएगा? 1/T। इस फॉर्मूले को भी नोट डाउन कर लीजिएगा, जहां n क्या है? आवृत्ति है, फ्रीक्वेंसी है, इसको फ्रीक्वेंसी बोलेंगे, फ्रीक्वेंसी, और t को क्या बोलेंगे? आवर्तकाल, ठीक, या टाइम पीरियड बोलेंगे। इतनी चीज को नोट डाउन कर लीजिएगा। और एक चीज और है कि जो ओमेगा होता है, ओमेगा क्या है? हमारा कोणीय वेग है। ठीक, ये थोड़ा सा छोटे छोटे रिलेशन है। तो ओमेगा इक्वल टू होता है 2πn। ठीक, ये क्या होता है? ओमेगा इक्वल टू होता है 2πn कैलकुलेशन के लिए। और यहां पे n क्या है? आवृत्ति है। यन क्या है? आवृत्ति है। आवृत्ति मतलब फ्रीक्वेंसी है। 2π क्या है? कांस्टेंट है। 2π का रिस्पेक्ट यहाँ पे ये है कि 2π क्यों आया है, कि इसलिए यहाँ पे आया है क्योंकि जो भी, अब यहाँ पे जैसे कि अगर हम लोग, क्यों 2π का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया है? 2π वहां से। 2π क्या है? एक कांस्टेंट है, और इस कांस्टेंट का यूज हमने इसलिए किया है
क्योंकि जो कण है वो एक वृत्ताकार पथ में क्या है, रन करता है, वृत्ताकार पथ में दौड़ता है। और कोई भी वृत्त हो, कोई भी सर्कल हो, चाहे छोटा सा हो चाहे बड़ा सा हो, वो मैटर नहीं करता है। जो वृत्त होगा उसका कंप्लीट जो एंगल होगा वो 360 होगा, और 360 को भी अगर हम लोग रेडियन में लिखते हैं कोण को, तो 360 को 360 कितना लिखते हैं, 2π लिखते हैं, ठीक, इतनी चीजें। तो इसलिए हमने ऐसा किया। अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, तो ओमेगा इज इक्वल टू हम लोग 2π/T भी लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि n इज इक्वल टू कितना होता है, 1/T होता है। ओके, इतनी चीज को नोट डाउन कर लीजिएगा आप लोग। एक छोटा सा रिलेशन और है, उसको नोट डाउन कर लीजिएगा। लिख लीजिएगा कि इफ, यदि v जो है स्मॉल, वो क्या है, वो रेखीय वेग है, क्या है, रेखीय वेग है, और r क्या है, किसी भी वृत्त की त्रिज्या है, वृत्ताकार पथ की यानी वृत्त की त्रिज्या है, और ओमेगा इज इक्वल टू क्या है, कोणीय वेग है, कोणीय वेग है, ठीक। तो एक रिलेशन होती है v इज इक्वल टू r ओमेगा, ठीक। क्या होता है, जो हमारा रेखीय वेग होता है, जो लीनियर वेलोसिटी होती है, इज द प्रोडक्ट ऑफ एंगुलर वेलोसिटी एंड रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ, ठीक। क्या होती है, r क्या है, वृत्ताकार पथ की त्रिज्या है, और ओमेगा क्या है, कोणीय वेग है, और v क्या है, रेखीय वेग है। इस फॉर्मूले को याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करते हैं उत्तोलक लेवर, ठीक है। लेवर की बात करते हैं, और लेवर की बात करने के बाद जो उत्तोलक की बात करेंगे, उत्तोलक के प्रकार देखेंगे, और उस उत्तोलक में प्रकार के साथ साथ आलंब क्या होता है, आयास क्या होता है, और भार क्या होता है, उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं उत्तोलक। तो इसकी परिभाषा को देख लेते हैं। उत्तोलक, इसको इंग्लिश में लेवर बोलते हैं, ठीक, लेवर। उत्तोलक क्या है, एक प्रकार की सरल मशीन होती है। उस सरल मशीन में कोई भी टेढ़ी छड़ भी हो सकती है, ठीक। तो एक प्रकार की सरल मशीन होती है जिससे हम अपने कार्यों को आसानी से या सुगमता से कर सकते हैं। तो बस इसकी इतनी ही परिभाषा है उत्तोलक की। तो लीवर को आप लिख लीजिएगा कि जो ये क्या होती है, एक सरल मशीन है तो इसको लिख लीजिएगा, एक प्रकार की ये क्या है, जितने भी उत्तोलक होते हैं, एक प्रकार की सरल मशीन, सरल मशीन है, ठीक, जिसमें कोई सीधी, दोनों हो सकती, जिसमें कोई सीधी या टेढ़ी छड़, ठीक, सीधी हो या चाहे टेढ़ी हो, कोई भी हो, सीधी या टेढ़ी छड़ किसी बिंदु के परितः, टेढ़ी छड़, ठीक, छड़ किसी बिंदु के परितः, बिंदु के चारों, या लिख सकते हैं चारों ओर स्वतंत्रता पूर्वक घूम सकती है या घूर्णन कर सकती है, ठीक, स्वतंत्रता पूर्वक घूर्णन कर सकती है, ठीक। इस चीज को आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। जैसे बहुत सारे उनके एग्जांपल हम लोग देखेंगे, कहने का मतलब ये कोई भी मशीन हो, जैसे इस तरह की मशीन हो, कोई भी मशीन हो, उसमें क्या है, एक चाहे टेढ़ी हो चाहे सीधी, चाहे ऐसी ही क्यों ना हो, जैसे मार्कर बना हुआ है ना, जैसे ये मार्कर है, इस मार्कर को आप लोग देखिएगा, ये क्या है, पूरा सीधा है, ठीक। अब कोई दूसरी मशीन ले लें, वो इस तरीके से ज्वाइंट कर दें,
ठीक, चाहे टेढ़ी हो चाहे उससे क्या मतलब हो उनको, चाहे बी से ही क्या फोल्ड हो, जैसे इस तरीके से है, यहां से क्या दिया जाए ऐसे जोड़ दिया जाए, कोई भी मशीन जोड़ दी जाए, ठीक है, इसको आप लोग देख सकते हैं, तो इस तरीके से जोड़ दी जाएगा तो टेढ़ी हो जाएगी, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है, चाहे सीधी हो चाहे टेढ़ी हो उससे कोई मतलब नहीं है, बस एक प्रकार की क्या है उत्तोलक, अगर कुछ ऐसा पूछा जाता है उत्तोलक क्या है, क्या व्हाट इज द लीवर, तो बस इतना हम बोलेंगे सिंपल मशीन है, ठीक, क्या होती है सिंपल मशीन होती है, उत्तोलक क्या होती है सिंपल मशीन। अब वो मशीन कैसी होती है, उसकी खासियत क्या है, या तो सीधी हो या तो टेढ़ी हो, ठीक, सीधी हो चाहे टेढ़ी हो, अब उसमें सीधी या टेढ़ी हो उससे हमको भी कोई मतलब नहीं, लेकिन बस हमको बस इतना मतलब है कि वहां पर जो कोई भी एक ऐसा बिंदु होना चाहिए उसमें जिसके चारों ओर क्या है स्वतंत्रता, चाहे जिधर से घुमाए वो घूम जाए, ठीक, चाहे जैसे कैंची है, कैंची है क्या है वो भी क्या है घूम जाएगी ना, चिमटा है जैसे चिमटा है तो भी क्या है घूम जाएगा, ठीक, सरौता क्या है वो भी घूम जाएगा, इस सब चीजों को याद रखना है, कोई भी बिंदु होना चाहिए जिसके चारों ओर क्या है वो पूरी तरीके से स्वतंत्रता पूर्वक आसानी से घूम सके, कहीं पर भी कोई दिक्कत ना हो, ठीक। आगे बढ़ते हैं, अब इसमें प्रकार देख लेते हैं, इसके प्रकार कौन कौन से हैं, सबसे पहले प्रकार देखने से पहले उसके कुछ पॉइंट हैं उनको आप लोग देख लीजिएगा, सबसे पहला पॉइंट है आप लोग लिख लीजिएगा आलंब, ठीक, क्या है आलंब, आलंब को अंग्रेजी में बोलते हैं क्या बोलते हैं फुलक्रम, इसको भी नोट कर लीजिएगा CRUM, आलंब क्या होता है, आलंब क्या है, कोई भी सरल मशीन, कोई भी सरल मशीन हो, कोई भी उत्तोलक हो, उसमें एक ऐसा बिंदु होता है जिसके चारों ओर, जिस बिंदु की हम लोगों ने बात कही, जिस बिंदु पे हम लोगों ने फोकस किया, एक ऐसा बिंदु जिसके चारों ओर कोई भी मशीन कोई भी उत्तोलक क्या है स्वतंत्रता पूर्वक घूम सके, तो आलंब क्या होता है एक प्रकार का बिंदु होता है, ठीक, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, एक ऐसा बिंदु, वह बिंदु जिसके चारों ओर सरल मशीन या उत्तोलक मशीन चारों ओर घूर्णन कर सके, ठीक, तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या बोलेंगे आलंब बोलेंगे। दूसरा पॉइंट आयास को हम लोग प्रयास भी बोल सकते हैं, एफर्ट बोल सकते हैं, ठीक, इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे एफर्ट। मेरी बात ध्यान सुनना, प्रयास फोर्स के कॉन्सेप्ट से आया हुआ है आयास, तो आयास होता क्या है प्रयास होता है किसी भी काम को, बस एक सोशल थोड़ा सा टर्मिनोलॉजी में बता रहा हूं आप लोगों को, आयास का मतलब प्रयास, प्रयास का मतलब एफर्ट, एफर्ट का मतलब क्या फोर्स बल, ठीक, तो क्या है बल होता है एफ होता है, ठीक, या इस तरीके से हम लोग यहाँ पे कभी कभी ई से भी रिप्रेजेंट करते हैं कहीं कहीं पे, वैसे तो इसमें एफर्ट ही लिखा है लेकिन उसको हम लोग क्या करते हैं बल से ही रिप्रेजेंटेशन एक प्रकार से होता है कि हाँ बल है, ठीक, जनरली अगर देखा जाए अगर आयास दिया तो आयास यूज करेंगे, अगर बल दिया तो बल का यूज करेंगे। पहले मतलब यह है किसी भी उत्तोलक को उठाने के लिए जो बल हम लोग प्रयोग करते हैं, जिस बल का उपयोग करते हैं उसी बल को हम लोग बोलते हैं एफ बोल सॉरी ई बोलते हैं आयास बोलते हैं, ठीक, इसको लिखाने की जरूरत नहीं, ठीक है। और क्या है, अब इसके बाद आएगा भार, ठीक, क्या आएगा भार, भार इसको बोलेंगे डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक। अब इसमें ये क्या है उत्तोलक द्वारा जो भी बोझा उठाया जाता है, उत्तोलक के द्वारा जो भी बोझा उठाया जाएगा, जिस भी बोझ को रखा जाएगा, जैसे सरौते में सुपारी रखी जाएगी, ठीक, इस तरीके से कूड़ा उठाने वाली मशीन से जो है कूड़ा उठाया जाएगा, तो क्या है पूरे कूड़ा क्या है वेट हो गया ना, ठीक, कैंची से कपड़ा काटा जाएगा तो कपड़ा क्या हो गया, कपड़ा हो गया क्या हो गया भार हो गया, तो समझ में, उत्तोलक द्वारा जो भी बोझा उठाया जाता है उसको बोलते हैं भार बोलते हैं, ठीक, इसको लिखाने की जरूरत नहीं। अब लोग सीधे हम लोग डायरेक्ट आते हैं किस पे, उत्तोलक के प्रकार, ठीक, उत्तोलक के प्रकार कितने होते हैं, बेसिकली तीन प्रकार होते हैं, तो प्रथम प्रकार के बारे में बात करते हैं, तो देख लीजिएगा, तो प्रथम प्रकार हमको बस इतना याद रखना है, उदाहरण याद रखना है और बीच में क्या आता है इतना याद रखना है, ठीक, हमें आसपास आगे पीछे से कोई मतलब नहीं, हम लोग फोकस करेंगे बीच में क्या है, तो बीच में क्या आएगा तो देखते हैं। सबसे पहले हेडिंग डाल लीजिए प्रथम प्रकार का उत्तोलक,
सबसे पहला मैं इस तरीके से लिखता हूं, आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, जो पहला होगा उसमें बीच में आ लंब आएगा, ठीक, छोड़ दिया। अब दूसरे में क्या आएगा, तो इसके आलम, अभी हम लोग इसके एग्जांपल निकाल देंगे, ठीक, और किसके किसके बीच में होता है ये भी यहाँ पे लिख देंगे। अब यहाँ पे एग्जांपल लिख देंगे, अभी दूसरे नंबर पे लिखते हैं जो है भार आएगा, दूसरे नंबर पे क्या आएगा, भार बीच में आएगा, किसके किसके बीच में आएगा वो भी नोट डाउन कर देंगे, इसके एग्जाम्पल लिख देंगे अभी, ठीक। और नंबर सबसे लास्ट में जो है आलम हो गया, भार हो गया, अब इसके बाद में क्या आएगा, आयास आएगा, एफर्ट, ठीक, इस किसके किसके बीच में आएगा ये भी देख लेंगे, तो इसके एग्जांपल देख लेंगे, ठीक। आलम तो इसको किस चीज से रिप्रेजेंट करते हैं, आलम को यफ से रिप्रेजेंट करते हैं, यफ से, इसको डब्लू से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक, और इसको ई से रिप्रेजेंट करेंगे। बात समझ में आ रही होगी, ठीक। जैसे एक होता ना फ्यू, मेरी बात ध्यान सुनना, फ्यू होता क्या है, फ्यू, फ्यू मीन्स क्या होता है, कुछ होता है, ये याद रखना, एफ ई डब्ल्यू, तो बस फ्यू की स्पेलिंग एफ है और आगे ई डब्ल्यू ना होकर के डब्ल्यू ई हो जाएगा, बस इतना अपने दिमाग में रखना, तो हमेशा जो है सारे उत्तोलक के प्रकार याद रखेंगे, ठीक, एफ डब्ल्यू ई। अब यहाँ पे क्या है, आलम किसके किसके बीच में आएगा, आलम जो है डब्ल्यू और ई के बीच में आएगा, डब्ल्यू एंड ई, ठीक है। अब यहाँ पे डब्ल्यू किसके किसके बीच में आएगा, एफ एंड ई के बीच में आएगा। अब यहाँ पे आयास किसके किसके बीच में आएगा, आयास किसके किसके बीच में आएगा, आयास आएगा एफ एंड डब्ल्यू के बीच में, ठीक, एफ एंड डब्ल्यू के बीच में। इतनी चीज नोट डाउन कर लीजिएगा, प्रथम प्रकार के जो उत्तोलक होंगे, आप लोग सोचिएगा जब तक मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ, प्रथम प्रकार के उत्तोलक में क्या होता है, आलंब भार और आयास के बीच में आएगा, ठीक। द्वितीय प्रकार के उत्तोलक में भार आलंब और आयास के बीच में आएगा, तृतीय प्रकार के उत्तोलक में आयास भार और इसके आलंब के बीच में आएगा, ठीक। इसके मैं एग्जांपल लिख रहा हूं, प्रथम प्रकार के उत्तोलक के एग्जांपल आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। सबसे पहले क्या है, कैंची है, कैंची को लिख लीजिएगा, कुछ इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट लिख देता हूं, कैंची हो गया और सरौता हो गया, सरौता सुपारी काटने वाला, झूला हैंडपंप, झूला हो गया, हैंडपंप हो गया, ठीक, इस तरीके से हो गया। अब दूसरे प्रकार के एग्जांपल में लिख लीजिएगा, सरौता नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है, इसको छोड़ दीजिएगा। इसके बाद क्या है, सरौता इसमें आएगा, ठीक, सरौता इसमें आएगा, और ठेला गाड़ी जिसके बारे में बात किए थे, ठेला गाड़ी, ठीक, नींबू निचोड़ने की मशीन, नींबू मशीन, ठीक, इसमें देख लीजिएगा, स्टेपलर, स्टेपलर आ जाएगा, चिमटा और मनुष्य का हाथ, जो भी कोहनी जिसको बोलते हैं, मैं इन सबको भी एक्सप्लेन कर रहा हूं, मनुष्य का हाथ यानी ह्यूमन हैंड, ह्यूमन। अब ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले वाले में कह रहा है कैंची, ठीक, कैंची में क्या होता है, जब कैंची का यूज करते हैं तो क्या कह रहा है कि जो आलंब है भार और आयास, ठीक, कैंची में क्या होता है, इस तरीके से देखिएगा, कैंची में ऐसे ऐसे, ठीक, और ये आगे, ये इस तरीके से, यहां पे क्या है, कपड़ा आएगा, ठीक, क्या है, कपड़ा आएगा, तो आगे भार है, अब यहां पे क्या है, आलंब है, और यहां पे क्या है, फोर्स लग रहा है, तो फोर्स और वेट भार के बीच में क्या है, आलंब है। बात समझ में आई, तो इस तरीके से क्या है, इस एग्जांपल को देख सकते हैं, इस तरीके से झूले में भी क्या होगा, जो झूला होगा, झूले में जब झूला निकाला जाएगा उसमें क्या होगा, इसी तरीके से झूले भी होते हैं झूले में, ठीक। अब यहां पे क्या देखेंगे, अब भार में इस तरीके से हैंडपंप को भी हम सब लोग समझ सकते हैं, अब इसमें क्या कर, दूसरे वाले में सरौता,
तो सरौते में क्या होता है, भार जो है बीच में होता है, ठीक। सरौते में क्या हो है, भार बीच में होगा। सरौते की डिजाइन कैसी होती है, ये ऐसे, इस तरीके से ऐसे, और ये इस तरीके से ऐसे, ठीक। यहां पे फ्री होता है, ठीक, और यहां पे क्या होता है, हम वहां से दबाते हैं, यहां से कट होती सुपारी। ध्यान समझना, सरौते में क्या है, बीच में सुपारी होती है, और यहां पे क्या है, फ्री होता है आगे, यहां पे क्या होता है, हम लोग ऐसे दबाते हैं, ठीक। तो ये हो गया, इस तरीके से ठेला गाड़ी है, नींबू मशीन भी है। नींबू मशीन में क्या होता है, आगे एकदम फ्री होता है, बीच में नींबू रखते हैं। आयास में क्या, इसमें तीसरे प्रकार में क्या होगा, स्टेपलर। इसमें क्या है कि आयास, यानी कि जो है आयास क्या करते हैं, बीच में लगाते हैं, ठीक। स्टेपलर में क्या करते हैं, जो है आयास हम लोग बीच में लगाते हैं, आगे जो है भार होता है, क्या है भार, जो भी स्टेपलर होता है, जब हम लोग लगाते हैं तो आगे से क्या करते हैं, स्टेपलर करते हैं, तो आगे क्या है, स्टेपलर होती है। अब बीच में क्या करेंगे हम लोग, आयास बीच में दबाते हैं, आगे थोड़ी दबाते हैं, बीच में दबाते हैं, ठीक। दबाने के बाद और एक तरफ क्या होता है, एक तरफ जो किनारे वाला जो पोर्शन होता है, जहां से क्या है, इस तरीके से स्टेपलर घूमता है, तो इस साइड में क्या होता है, यहाँ पे फ्री होता है ना, तो यहाँ पे क्या है, ये क्या हो गया, फ्री हो गया, यानी एक तरफ, और बीच में क्या है, आयास हो गया, तो बीच में हम लोग क्या करते हैं, फोर्स लगाते हैं, आगे से पिन लग जाती है, ठीक। इस तरीके से हम लोगों ने क्या देखा, ये जितने भी उत्तोलक के प्रकार देती है, ठीक। अब आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं हम लोग, कुछ है न्यूटन के, यानी गति के नियम में एक स्पेशल जोड़ दिया गया है, न्यूटन के नियम, यानी न्यूटन के तीन नियम है, उनको देख लेते हैं। सबसे पहला नियम, ठीक, फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन, थोड़ा सा यहां पे देखते हैं, न्यूटन्स लॉ, न्यूटन्स लॉ, ठीक, न्यूटन के नियम। तो न्यूटन के कितने नियम थे, तीन नियम थे, थ्री लॉ थे, ठीक। कितने, प्रथम नियम, द्वितीय नियम, तृतीय नियम। प्रथम नियम की बात करते हैं, जो फर्स्ट लॉ था, मैं थोड़ा सा ऐसे ही एक्सप्लेन करूंगा, लिखने की इसमें कोई जरूरत नहीं है, बस थोड़ा थोड़ा हिंट करके मैं लिख दूंगा, जिसमें लिखना होगा, जिसे दूसरे में लिखना है और तीसरे में भी नहीं लिखना है, ठीक, बस समझना है, आप लोग सुनते जाइएगा स्टोरी की तरह। जो फर्स्ट लॉ है, उस फर्स्ट लॉ को गैलीलियो ने, एक गैलीलियो महोदय थे, गैलीलियो ने कहा कि ये जड़त्व का नियम। तो प्रथम नियम को जड़ता का नियम या जड़त्व का नियम किसने कहा, तो गैलीलियो ने कहा, ठीक। अब इस नियम को कहते क्या है, एक जब जड़त्व का नियम कहा तो एक टर्म आया जड़त्व, तो जड़त्व या जड़ता होती क्या है, जड़त्व वो एक चीज होती है, जैसे कोई भी वस्तु विरामावस्था में है, ठीक, कोई भी वस्तु विरामावस्था में है, यानी जड़त्व का मतलब होता है विरोध करना, ठीक। वो अपनी मूलभूत जिस सिचुएशन में है, जिस पोजीशन में है, वो उसी में रहना चाहता है, दूसरी उसकी कोई अगर पोजीशन बदलने की कोशिश करता है तो वो उस पोजीशन की स्थिति को, यानी स्थिति को बदलने वाले का विरोध करता है, यानी उस कंडीशन को विरोध करता है, इसी विरोधाभास को बोलते हैं जड़त्व का नियम, ठीक। इसी को बोलते हैं हम लोग जड़त्व का नियम, नहीं सॉरी, इसी को बोलते हैं जड़ता बोलते हैं, ठीक। अब बात करते हैं प्रथम नियम के बारे में, जो न्यूटन्स का प्रथम नियम था, न्यूटन साहब ने भी यही कहा जो गैलीलियो ने सोचा था। न्यूटन ने कहा कि कोई भी वस्तु, चाहे कोई भी वस्तु हो, चाहे कोई भी आदमी हो, चाहे कोई भी मशीन हो, कुछ भी हो, अगर वह जिस भी पोजीशन में है, अगर कोई भी वस्तु अगर विरामावस्था में है तो वह विरामावस्था में रहेगी, यानी कि इन रेस्ट पोजीशन रहेगी। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है तो वह गति में है तो गति में ही रहेगी, जब तक कि उस पर बाह्य बल न लगाया जाए, जब तक उस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई न किया जाए, ठीक। ये है ये नियम न्यूटन के अनुसार, या न्यूटन के नियम के अनुसार, प्रथम नियम के अनुसार, कोई भी वस्तु विरामावस्था में है तो वो विरामावस्था में ही रहेगी, अगर कोई भी वस्तु गतिमान है तो वो गति की अवस्था में ही रहेगी, जब तक कि उस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना किया जाए। इसी को उन्होंने नाम दिया विरामावस्था का नियम भी कहा, और इन्होंने उसी को न्यूटन्स का प्रथम नियम भी कहा। इसके कुछ एप्लीकेशंस हैं, जैसे कि कोई भी अगर बस है, बस चल रही है, बस चलती जा रही है, चलती जा रही, चलती जा रही, चलती हुई बस में अगर कोई भी बस चल रही है, उसमें जितने भी यात्री हैं गतिमान हो रहे हैं, ठीक, गतिमान हो रहे हैं, तो गतिमान होने के बाद अगर वो अचानक से रुक जाती है तो आदमी जो है पीछे की ओर गिर जाता है, सॉरी, जैसे आगे की ओर झुक जाता है, ठीक। अब इसके अलावा
अगर कोई भी यात्री चलती हुई बस से अगर उतरता है, जैसे धीरे हो गई बस, चौराहे पे आई, तिराहे पे बस रुकी, थोड़ा सा एकदम से रुकी नहीं, हल्की हुई, उसकी स्पीड स्लो हुई, तो कोई जो यात्री उतरता है, उतरने के बाद वह क्या करता है, बस की ही स्पीड, बस की गति की दिशा में ही, जिस दिशा में अगर बस चल रही है उसी की दिशा में क्या है, थोड़ा सा दौड़ने लगता है या अपनी स्पीड को बढ़ा देता है। क्यों बढ़ा देता है? क्योंकि अगर वह स्पीड को, अगर अपनी गति की दिशा को और गति की दिशा के साथ साथ उसकी अपनी चलने की स्पीड को भी थोड़ा सा बढ़ा देता, उतरा, उतरने के बाद क्या किया, बस की दिशा में क्या किया, उसने दौड़ना शुरू कर दिया हल्की हल्की स्पीड में। अगर वो नहीं करता, क्यों? क्योंकि अब कहा गया ना कि जब तक वह कोई भी वस्तु, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट गतिमान है तो गतिमान ही रहेगी, अगर गतिमान नहीं होगा तो क्या है, उसकी कंडीशन अगर रिवर्स हो जाएगी, रुक जाएगा तो क्या है, भिड़क जाएगा, गिर जाएगा, ये यानी विरोधाभास उत्पन्न होता है। विरोधाभास उत्पन्न ना हो इसलिए क्या करना पड़ता है, उसको उसी दिशा में चलना पड़ता है, उसी दिशा में क्या करना, उसे फॉलो अप करना पड़ता है। ठीक, ये था तो इस एक एग्जांपल इसका ये हो गया, बस से चलती हुई बस से उतरने के बाद आदमी उसी दिशा में दौड़ने लगता है। ठीक, ओके। दूसरा क्या है कि अगर कोई भी बस में अगर कोई भी बैठा है, तो अगर बैठा है चुपचाप, तो क्या होता है कि जैसे ब्रेक लगाता है तो आदमी आगे की ओर झुक जाता है। ठीक, एक तो ये हो गया, क्यों झुक जाता है, इसलिए झुक जाता है क्योंकि ऊपर वाला हिस्सा क्या है, जड़त्व के कारण जो है वो विरामावस्था में होता है, और नीचे का जो हिस्सा होता है, जो गाड़ी के साथ कनेक्ट होता है, जो सीट के साथ जुड़ा हुआ होता है, वो क्या करता है, वो बस के साथ गतिमान रहता है। तो नीचे का गतिमान होता है, ऊपर का क्या है, विरामावस्था में है, विरामावस्था में है, तो वो भी क्या करता है, उसकी दिशा, जो ऊपर वाला धड़ है, ऊपर वाला जो हिस्सा है, वो जो ऑब्जेक्ट है, जो बस थी, जो नीचे का हिस्सा था, उसमें परिवर्तन लाने की कोशिश करता है ऊपर वाले हिस्से में, कि भैया तुम भी चलने लगो, लेकिन वो कहता ना बाबा ना, हम तो नहीं चलेंगे, तो इसलिए वो आगे वाला हिस्सा, जो ऊपर वाला हिस्सा होता है, वो आगे की ओर झुक जाता है। एक एग्जांपल इसका ये भी है कि कोई भी अगर जैसे कि आंधी आती है, हवा तेज चलती है, तो जो पेड़ों में लगे हुए जो फलदार पेड़ है, उनके फल टूट जाते हैं, गिर जाते हैं, इसलिए टूट जाते हैं क्योंकि जो फल होते हैं, पूरा वृक्ष, जो पूरा पेड़ होता है, वो गतिमान हो जाता है, लेकिन जो फल होते हैं वो जड़त्व कारण स्थिर बने रहते हैं, इसलिए उनकी, उनमें क्या होता है, उनकी स्थिति में परिवर्तन होता है, विरामावस्था से गतिमान अवस्था में आने की कोशिश की जाती है कि ये भी आ जाए, लेकिन वो नहीं आने वाले हैं, इसलिए वो टूट जाते हैं। अगर वो भी गतिमान अवस्था में हो जाए तो ये टूटे ही ना, ये एक लॉजिक ये था। ठीक, तो इस तरीके से हमारा जो है प्रथम नियम कंप्लीट होता है। दूसरे नियम की बात करते हैं। दूसरा नियम अब मेरी बात सुनिएगा, दूसरा नियम क्या कहता है, सेकेंड लॉ, सेकेंड लॉ। सेकेंड लॉ का मतलब है कोई भी अगर ऑब्जेक्ट है, ठीक, किसी भी वस्तु में जो संवेग परिवर्तन की दर होती है, कोई भी वस्तु, किसी वस्तु की संवेग परिवर्तन की दर, वस्तु की संवेग परिवर्तन की दर, संवेग, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है इसलिए इसको जो है थोड़ा सा समझा देते हैं, संवेग परिवर्तन की दर वस्तु पर आरोपित मतलब इंप्लीमेंट होने वाला, आरोपित बल के अनुक्रमानुपाती होता है, अनुक्रमानुपाती। ठीक, इसको यानी कि प्रोपोर्शनल। ठीक, इस टर्म को याद करना, होता है, होती है। ठीक, मेरी बात ध्यान सुनना, कोई भी ऑब्जेक्ट है, संवेग क्या होता है, संवेग को हम लोग पी से रिप्रेजेंट करते हैं, पी इज इक्वल टू एम वी, एम वी, इस चीज को याद रख लेंगे। कोई भी अगर ऑब्जेक्ट है, कोई भी वस्तु है, अब उस वस्तु की यानी संवेग क्या होगा, वस्तु के द्रव्यमान, कोई भी अगर गतिमान वस्तु है, वस्तु कैसी होनी चाहिए, मोशन में होनी चाहिए, गतिमान अवस्था में, अगर गतिमान में नहीं है तो संवेग पैदा ही नहीं होगा। ठीक, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मोशन में नहीं है, संवेग में नहीं, सॉरी गतिमान